Hello, good morning, India. Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि इसके अंदर अपन कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कवर अप करते हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए और हमेशा की तरह आज भी करने वाले हैं. तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी बच्चे देख सके और सभी बच्चे अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चलते हैं हमेशा की तरह क्वेश्चन द डे की. कल मैंने आपसे सवाल पूछा था और काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये पांचवा विश्व बौद्ध मंच कहां आयोजित किया गया था. यह आयोजित कहां पे किया गया है? यह चाइना में आयोजित किया गया है दोस्तों. तो आपका आंसर क्या होगा? 4, यानी कि डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और पहला सवाल देखते हैं आज का. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रबंधक, निदेशक और सीईओ के रूप में 2 साल के लिए डैश की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. तो एक पर्सन है, उनको आरबीआई ने क्या किया है? सीईओ, ठीक है, और एमडी के तौर पे 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है. कौन है? एचडीएफसी बैंक के हेड है. अब तो समझ ही गए होंगे आप एचडीएफसी बैंक के कौन है. वो है आदित्य पुरी, यानी कि ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. अगला सवाल है, ऐसे सवाल बैंक के एग्जाम में बहुत आते हैं. हाल ही में गिरीश राधाकृष्णन को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? गिरीश राधाकृष्णन जी को बताना है. आंसर होगा आपका यहां पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बनाए गए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है. और ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में कई बार ये पूछा जाता रहता है. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल है, हाल ही में किसे आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है आईटीबीपी के? क्या दोस्तों आपको मालूम है कि असम राइफल और आईटीबीपी के अंदर क्या अंतर है? क्या आपको पता है पैरामिलिट्री जो हमारी फोर्सेस होती है उनके अंदर और सीएपीएफ के अंदर क्या अंतर है? ठीक है, क्या आपको दोनों के बीच में अंतर पता है? देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताता हूं, काफी बच्चों को पता नहीं होगी, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं. आंसर तो मैं आपको उसका बता देता हूं. आंसर तो उसका ए होगा, एसएस देसवाल जी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिनको आईटीबीपी के डीजी बनाया गया है. अभी देखिए दोस्तों, दो हमारे यहां पे फोर्सेस हैं. एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिन दो चीजों को हम पैरामिलिट्री फोर्सेस देखते हैं. एक तो हमारे असम राइफल्स है, जिसके अंदर 60,000 हमारे जवान है जो कि काम करते हैं, ठीक है, और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को रिपोर्ट करते हैं. एक है अपनी एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, ये जो इंडियन इंटेलिजेंस है उनको रिपोर्ट करती है. इसके अलावा हमारी 5 फोर्सेस और भी है जो कि होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, ठीक है. 2011 से पहले से ये पैरामिलिट्री मानी जाती है, लेकिन अब इनको हम सीएपीएफ के अंदर डालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. पैरामिलिट्री अलग हो गई, असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हो गई, और सीएपीएफ के अंदर 5 अलग हो गई, जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, और डब्ल्यूएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल हो गए. तो इस तरीके से अब सीआरपीएफ का काम रिजर्व अंडर की तरफ है काम करना, इंडस्ट्रियल के तौर पे सीआईएसएफ, आईटीबीपी है वो तिब्बत वाली बॉर्डर देखती है, चाइना वाली, एसएसबी जो है एसएसबी, और बीएसएफ जो है अपनी बॉर्डर देखती है. तो इस तरीके से सबका अपना अपना जो काम है वो डिफाइन कर रखा है. अगला सवाल है यहां पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे महिला विश्व चैंपियनशिप 2018 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? पहली बात तो विश्व बॉक्सिंग महिला चैंपियनशिप कहां पे हो रही है?
न्यू दिल्ली के अंदर कराई जा रही है, न्यू दिल्ली में कराई जा रही है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? आपको मालूम है हमारे देश में खुद ही एक लेजेंडरी बॉक्सर है मैरी कॉम, उन्हें बनाया गया है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एशियन स्नूकर खिताब जीता है? पंकज आडवाणी, ठीक है, कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और अभी इन्होंने जू रीति को हराकर ये खिताब जीता है। अगला सवाल है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? तो जैसे कि एक जगह राज्य में ज्यूइश रहते हैं, जो कि कौन सा रिलीजन मनाते हैं? जुडाइज में उनका रिलीजन होता है। इसराइल के अंदर आपको पता है ना ज्यूइश ही है, इसराइल के अंदर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर, और उनकी जो जो लैंग्वेज होती है उसको अपन बोलते हैं हिब्रू, हिब्रू लैंग्वेज है जो कि वो बोलते हैं। पेपर में आता है हिब्रू किसकी लैंग्वेज है, तो ये इसराइल की लैंग्वेज है। और ऐसा करने वाला कौन है? गुजरात ऐसा करने वाला राज्य है। चलिए अगला सवाल है, किस उपन्यास ने 2018 गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, एक तो होता है अपना मैन बुकर पुरस्कार और एक दूसरा एक और होता है जिसका नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल, ठीक है, मैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये दोनों अलग अलग हैं, समझ गए, दोनों ध्यान रखिएगा। यहां पे जो हमने बात करी है, तो यहां पे हमने बात करी है द इंग्लिश पेशेंट को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जो है वो इंग्लिश पेशेंट जो किताब है उसके लिए मिला है। और यहां पे जब हम बात करते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की, मैन बुकर इंटरनेशनल की, तो ओल्गा है जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, ओल्गा है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। माइकल ऑनडाज है जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, इंग्लिश पेशेंट जो है ना वो माइकल की किताब है। ओके, जिनको तो मिला है मैन बुकर पुरस्कार और ये ओल्गा है, इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार जो मिलता है वो तो इंग्लिश में किताब के लिए मिलता है, और जो इंटरनेशनल ये वाला जो है ये ट्रांसलेशन भी कर सकते हो आप इसके अंदर, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, जेनिफर क्राफ्ट ने ट्रांसलेशन किया था। अगला सवाल है, किस राज्य के प्रसिद्ध शाही लीची को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग के बारे में आपको बताना है, किसको मिला है ये आपको बताना है। बहुत सारी ऐसे हमारी चीजें हैं, लिस्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो कि हमने रिकॉग्नाइज करी। ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर किसी चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया ना, तो वहां की वो जो चीज है वो बहुत ही फेमस हो जाती है, जैसे कि पश्मीना शॉल, शॉल होती है ना पश्मीना, तो पश्मीना शॉल के नाम से ऐसा नहीं कि हिमाचल के लोग बेच लेंगे उसको, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बेच सकते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड है जीआई के अंदर, समझ गए, इस वजह से ऐसा होता है। वैसे ही कांगड़ा पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश की, कुल्लू की शॉल है, चंबा रूमल है वो हिमाचल प्रदेश की हो गई, सिक्किम के अंदर जो इलायची आती ना वो वहां की है, ठीक है, लार्ज कार्डोमन जिसको कहते हैं बहुत ही बड़ी। वैसे अरुणाचल ऑरेंज करके एक मुकुट होता है वो अरुणाचल का बड़ा फेमस है। नागालैंड की नागालैंड मिर्चा है, बहुत ही बड़ी मिर्ची आती है मिर्चा, वो नागालैंड की है, ठीक है। आसाम की सिल्क होता है मूगा सिल्क, और इसके अलावा आसाम का एक होता है जोहा राइस, ये भी बड़ी फेमस है जोहा राइस आसाम की, ये सवाल आता है पेपर में, है ना। तो ये कुछ फेमस फेमस नाम है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और एक लीची भी है तेजपुर लीची, तेजपुर जो है ना वो जगह है आसाम के अंदर, तो तेजपुर की अगर लीची की बात आए तो दोस्तों देखिए आसाम हो जाएगा, लेकिन अगर शाही लीची पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है। और एक चिली एक और आती है, मिजोरम की चिली होती है मिजो चिली, वो मिजोरम की होती है ना, वो भी बहुत फेमस है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी, देखिए बहुत सारे ज्वालामुखी है दोस्तों दुनिया के अंदर, और माउंट एटना एक स्ट्रॉन्गली भी है, ठीक है, वो भी कहां पर है? दोनों के दोनों इटली के अंदर ही है, ओके, इटली के अंदर ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इटली आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं जो कि आपका कौन सा है, इनमें से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है?
लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप के अंदर जो इस तरीके से तो नीचे का हमारा पोर्शन है वो पेनिनसुला है, जो कि तीन साइड से जहां पे ना पानी होता है उसको अपन पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। कौन से सबसे बड़ी नदी है आपको पता होगा दोस्तों, काफी सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्रा, पुडुचेरी, यहां से होती भी जाती है। ठीक है, और इसके ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो एक है बनगंगा नाम से, कदवा नाम से है, माजिरा है, ये इसकी बड़ी फेमस है। तो आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, गोदावरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मागिरी माउंटेन त्रिंबकेश्वर कहां पे? नासिक से ये स्टार्ट होती है, ब्रह्मागिरी माउंटेन है त्रिंबकेश्वर। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और कितनी इसकी बात करूं मैं, लेंथ की बात करूं तो 1500 किलोमीटर के आसपास है, जो कि ये पूरा का पूरा ट्रैवल करती है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ब्रह्मागिरी से महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए इतनी लंबी, तो सबसे लंबी नदी यही है हमारे प्रायद्वीप की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते रहते हैं, चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन होता है, देख क्या है। सीईओ हॉकी इंडिया के कौन है? हॉकी इंडिया के सीईओ कौन है ये आपको? तो दोस्तों ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस करे। उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा इन 12-15 मिनट के अंदर, काफी कुछ जाना होगा जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो सबसे ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और इसी तरीके से डेली सुबह 5 बजे पढ़ते रहिए। और 8 बजे वाला करंट अफेयर है वो मैं आपके लिए इस हफ्ते नहीं लेके आ पाऊंगा, मैं आपको वापस से बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि आपके 5 तारीख से है ना, 5 तारीख को है मंडे। ठीक है, मंडे से लेकर अगला जो संडे होगा 11 तारीख तक, इस बीच जो है वो मैं आपके लिए जो सुबह 8 बजे का जो करंट अफेयर है सुबह 8 AM वाला वो मैं नहीं लेके आ पाऊंगा, ओके, बिकॉज मैं बाहर हूँ सिटी से। लेकिन जो 12 तारीख है, 12 नवंबर है, उस दिन से अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना करंट अफेयर सुबह 8 बजे वाला। मैं सुबह 8 बजे की बात कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे की बात नहीं कर रहा, सुबह 5 बजे वाला वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन इस बीच के अंदर आपको जो 8 बजे वाला वीडियो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा ध्यान रखेंगे, और मैं आपको इस दिनों के जो करंट अफेयर है वो मैं पूरे कवर करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको पूरे के पूरे 7 दिन के महत्वपूर्ण सवालों के क्वेश्चन बना के दूंगा 7 दिन के करंट अफेयर के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।